मैं नासा कोठारी जी, देवेंद्र बिष्ट छोटू हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष, बहन अर्चना जी महिला मोर्चा की अध्यक्ष एवं आज इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले मेरे सहयोगी बहुत पुराने आंदोलनकारी श्री हरीश कोठारी जी एवं मंचा सिंह सभी महानुभाव श्री रविंद्र बिष्ट जी, मेजर साहब सामने बैठे हुए हमारे सेना के हमारे सैनिक पूर्व सैनिक आए हुए सभी अतिथिगण, माताएं बहनें और जिनकी उपस्थिति के कारण से आज ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही छात्र संघ के अध्यक्ष दयाल बिष्ट जी और मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी मीडिया के सभी मेरे मित्र, सभी भाई, मैं सबसे पहले तो आप सबका यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के लक्ष्य के प्रति जागरूकता फैला रही तीलू रतौली पुरस्कार संस्था प्राप्त संस्था आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता बहन आशा कोठारी जी को और पूरी संस्था को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी की बात है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि के साथ ही जो ये संस्था है, इस संस्था ने अनेकों और भी काम समाज में किए हैं। भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न सहित अन्य मुद्दों के खिलाफ अनेक कार्यक्रम, रैलियां और संगोष्ठियां करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। संस्था द्वारा किए जा रहे ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं संस्था को और पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का जो ये विषय है, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हमारे छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए और भविष्य के कर्णधारों के लिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, ड्रग्स फ्री देवभूमि, जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक देवभूमि को हम ड्रग्स फ्री करेंगे, यानी कि लत, नशे की लत को समाप्त करेंगे, नशे को समाप्त करेंगे। ये केवल हमारा स्लोगन नहीं है, ये हमारा संकल्प है। इसको हम जब तक समाप्त नहीं कर देते, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसमें सभी को कहीं ना कहीं साथ आना होगा, सभी को काम करना होगा। जहाँ हमारे माता पिता, हमारे संस्थानों में हमारे शिक्षकगण, समाज के प्रबुद्ध वर्ग और हमारे प्यारे विद्यार्थी, जब तक इसको पूरी तरह से जन जन का अभियान नहीं बनाएंगे, मैं समझता हूँ तब तक हमारा ये संकल्प अपनी सिद्धि तक नहीं पहुँचेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, देहरादून के अंदर हमारे बहुत सारे संस्थान चलते हैं, बहुत सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान हैं। इन सभी संस्थानों में, इसके आसपास किसी न किसी रूप में आज तमाम प्रकार से ये जाल बिछाने का काम पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उसको रोकने के भरसक प्रयास हो रहे हैं। हर तरीके से आज पुलिस भी काम कर रही है, एनकोर्ट की टीम भी काम कर रही है और हमने इसके लिए बहुत सारे अन्य जो प्रयास हो सकते हैं उन प्रयासों को भी किया है। लेकिन उन प्रयासों को भी तभी सफलता प्राप्त होगी जब आप सब भी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि एक बार अगर कोई नशे की लत में आ जाता है तो उसको छुड़ाना फिर बहुत मुश्किल काम होता है। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमको पता ही नहीं लगता है, हम मजाक मजाक में कई बार नशे की लत में चले जाते हैं, करते करते खेल खेल में हम ये भूल जाते हैं कि धीरे धीरे चढ़ने वाला जहर हमारे अंदर आ रहा है और स्थिति तब बहुत खराब हो जाती है। और जो जो भी व्यक्ति इसके लत में आता है उसको उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन आसपास के लोग जब देखते हैं तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी होती है। उसको उस दुनिया से लाना कितना मुश्किल होता है, जहां
उसके लिए स्वयं के लिए तो बहुत मुश्किल होता ही है। आप सोचिए कि उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनके लिए कितनी खराब स्थिति हो जाती है, जो अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उच्च शिक्षा के लिए भेजते हैं, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भेजते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं, या आगे चलकर भविष्य में तमाम सेवाओं को देने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ भेजते हैं, और वो भेजते किसी काम के लिए हैं, चला कहीं और जाता है, उन माता पिता की क्या स्थिति होती होगी। आप ये सोचिए कि आप कोई भी खराब काम करते हैं तो आपको उसका एहसास तब होगा जब आप ये एहसास करेंगे, ये महसूस करेंगे कि मेरे कोई भी खराब काम करने से मेरे माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा लालन पालन किया है, अपनी खुशियों को, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए, अपने मन की इच्छाओं को समाप्त करते हुए उन्होंने आप सबको संपूर्ण सुविधा देने का काम किया है, अच्छी शिक्षा देने का काम किया है, अच्छे कपड़े, अच्छा आपको खाना, अच्छी जगह शिक्षा के लिए भेजने का काम किया है, अच्छी फीस देने के लिए उन्होंने अपने सारे जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको भी समाप्त कर लिया है। तब जाकर जो है आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, आपको संस्थानों में अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे संस्थानों में आप पढ़ रहे हैं, अच्छे कोर्स कर पा रहे हैं, अच्छी डिग्रियां ले पा रहे हैं। अगर जब हम इस बात का एहसास कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हम किसी भी गलत काम में नहीं जाएंगे। और कई बार जब आपके सामने कोई बात आती है, कोई कहता है कि थोड़ा सा ये कर लीजिए, थोड़ा इसको टेस्ट कर लीजिए, तो आपके अंदर बिल्कुल इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और ना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बोलेंगे ना कहेंगे ना, अगर कोई खराब काम कहेगा तो क्या कहोगे उसको? अरे भाई जोर से बोलिए आप लोग, ना कहेंगे ना जोर से। और कोई हमको आसपास ऐसा दिखे कि जिसकी स्थितियां, जिसके हाव भाव कुछ असामान्य हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है। समाज के लोगों को जागरूक करने का काम भी हमने करना है। जब हम ये काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम देवभूमि को इस नशे से मुक्त करेंगे, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सारे परिवार और समूचे समाज और परिवेश को खोखला कर देता है, इतना नुकसान कर देता है। नशे के कारोबार से जो जुड़े हुए लोग हैं, न केवल कानून बल्कि समाज के भी वो दुश्मन हैं। वो समाज को खोखला करने का काम निरंतरता से कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। इनके ऊपर जितनी कड़ाई हो सकती है उतनी कड़ाई हम सबको करनी चाहिए। सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, लेकिन हम सबको भी करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2025 तक हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि करने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और लोगों को, विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है, वहीं नशा तस्करी से जुड़े हुए जो अपराधी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष अभी तक NDPS एक्ट के तहत लगभग 600 मामले पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें करीब 750 आरोपी अभी तक जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई के लिए उत्तराखंड राज्य में 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ANTF इसको हमने बना दिया है, और ये नशे के सारे कामों पर, सारे अपराधों पर सीधे नजर रखने का काम करती है। इस त्रिस्तरीय नेटवर्क में राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, जनपद स्तरीय एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स तथा थाना स्तरीय
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी सम्मिलित है। इस प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नार्को समन्वय तंत्र एनकोड की नियमित बैठक लगातार की जा रही है और जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं उनको भी लगातार इसके लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो लगातार दिए जा रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति को रोकने एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनको फिर से उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों को और प्रभावी बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में IRCA अर्थात इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट इसको संचालित किया जा रहा है। हमारा जो एम्स है एम्स की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी अर्थात ATF का भी संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में ऋषिकेश एम्स में 10 बेड ATF के एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा अभी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के लिए उत्तरकाशी चंपावत अल्मोड़ा एवं श्रीनगर में भी ATF के केंद्र संचालन की स्वीकृति हमको प्रदान कर दी है। जल्दी हमारे अन्य जनपदों में भी इस प्रकार के काम होंगे। हम केंद्र सरकार द्वारा जो भी हमको सहयोग किया जा रहा है उसका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नशा वृत्ति पर काबू पाने के लिए जन जागरण जन जागरूकता और जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारा युवा वर्ग विशेषकर युवाओं में इसके दुष्परिणाम को लेकर सरकार के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, इसके दुष्परिणामों को उनको बताया जा रहा है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी आज इसमें सहभागी बन सकता है, इसको जन जन का अभियान बना सकता है। राज्य के प्रत्येक जनपद में जो हमारे एक शिक्षण संस्थान है उसमें एंटी ड्रग कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सदस्य के रूप में संस्थान के ही जागरूक छात्रों अभिभावकों शिक्षकों प्रधानाचार्यों को उनको सम्मिलित किया गया है। पुलिस के सभी थाने भी आज इस काम में लगे हुए हैं। हमारी संस्कृति में महिलाएं परिवार का हमारी मातृशक्ति मुख्य स्तंभ होती है, इसलिए सरकार द्वारा समयबद्ध तरीकों और अनेकों प्रयासों से महिलाओं को भी नशे की रोकथाम में सहभागी बनाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। नशे की रोकथाम के संबंध में जानकारी तथा जनता को किसी प्रकार की सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और इनको लगातार प्रसारित भी किया जा रहा है। मैं आज यहाँ पर आए हुए सभी से अभिभावकों से माता पिता से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं और बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, मैं हमारे विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपस में लगातार हमको संवाद करना है। अब संवाद कैसे करना है, हम कई बार घर आते हैं जैसे अभी संजय जी कह रहे थे कि इंटरनेट पर अन्य चीज़ों पर हम व्यस्त हो जाते हैं, टेलीफोन पर व्यस्त हो जाते हैं या टैबलेट देखने लगते हैं या मोबाइल देखने लगते हैं। हमको इसके लिए समय निकालना होगा कि माता पिता के साथ बैठें, उनके साथ भोजन करें और कम से कम अगर हर समय भोजन न कर पाएं क्योंकि समय सबका अलग अलग होता है, लेकिन एक समय जरूर एक साथ बैठकर घर में भोजन करें। और माता पिता अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे जो छात्र बैठे हैं यहाँ पर, छात्राएं बैठी हैं, ये सब लोग अपना शेड्यूल बनाएं कि कैसे घर में सब लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं। करेंगे ना एक साथ एक टाइम के लिए करेंगे। चलिए क्योंकि आज हम ये सब जब हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो मन में बहुत प्रकार के विचार आते हैं, उसके कारण से अवसाद की स्थिति आ जाती है। परिवार अब छोटे हो गए हैं इसलिए माता पिता को ही सब जिम्मेदारी निभानी है। सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों के साथ साथ परिवार और समाज के स्तर पर भी इसके लिए
मुहिम चलाया जाना बहुत आवश्यक है। जब ये मुहिम में हम सब शामिल होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है 2025 तक ड्रग्स फ्री, ये निश्चित रूप से पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज से ही माता पिता भी और हमारे विद्यार्थी भी लगातार अपने बच्चों के साथ और बच्चे अपने माता पिता के साथ लगातार बात करेंगे, लगातार संवाद करेंगे और एक अच्छा सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी से जो इस अभियान में, इस संकल्प में और जो हमने ये लक्ष्य लिया है, इस लक्ष्य में सभी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है आप सबके अथक प्रयासों से। वैसे हम सब काम जो भी हम लक्ष्य तय करते हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है आप सबको कि जो भी हम लक्ष्य तय करते हैं, जो समय सीमा निर्धारित करते हैं, उस समय सीमा से पहले ही हम लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। ये भी जो लक्ष्य हमने लिया है, ये लक्ष्य भी हम सबको आज आप सबके मध्य में कह रहा हूं कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से इस लक्ष्य को भी हम समय से पहले प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यह भी हमारा जो ड्रग्स फ्री देवभूमि का लक्ष्य है, यह भी हमारा विकल्प रहित संकल्प है। यानी कि इस लक्ष्य में कोई संकल्प में विकल्प नहीं है। जो हमने संकल्प लिया है वो पूरा होगा। मैं पुनः आप सभी को ड्रग्स फ्री देवभूमि की शपथ दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ सारे लोग शपथ लेंगे, एक बार हाथ आगे कर दीजिए सर सम्मान में, शपथ के लिए। हाँ, शपथ के सम्मान में। चलिए सब तैयार हैं? तैयार हैं सब? कम हाथ उठे ऊपर को, चलिए नीचे कर दीजिए। हम शपथ लेते हैं कि आज से उत्तराखंड को ड्रग्स से मुक्त करने के अभियान में पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग करेंगे। धन्यवाद।